किसान द्वारा धान खरीद मामले पर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। विपक्ष ने सरकार पर झूठा आश्वासन करने का आरोप लगाया था और सदन का बहिष्कार भी किया था। वहीं इसके जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री श्याम रजक ने दावा किया था कि धान की खरीद 9 दिसंबर से प्रखंड स्तर तक शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पैक्सो द्वारा सबसे अधिक 18 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी की जाएगी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा धान होने वाला है और उसका मिनिमम 30 लाख मीट्रिक टन धान हम खरीद करेंगे और उसको हम पैक्स के माध्यम से खरीदेंगे और सभी प्रखंडों में एसएफसी के दो दो गोदाम रहेंगे। पैक्स से एसएफसी लेंगे, उसको मिलिंग करा कर करके एसएफसी को देंगे। इसके लिए 800 करोड़ रुपया अलग से आज आविरा 800 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव बैंक को दिए जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को तुरंत उनको राशि मिल जाए। लगता है मंत्री जी ने जल्दबाजी में यह घोषणा कर दी थी, क्योंकि घोषणा के 3 दिन बीतने के बाद भी राज्य में कहीं भी पैक्स क्रय केंद्रों की शुरुआत नहीं हुई है। यह जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने दी। प्रधान सचिव की माने तो अभी पैक्स क्रय केंद्रों की शुरुआत करने में 3 से 4 दिन और लगेंगे। पैक्स का वो 1-2 दिनों के अंदर वो क्रय करना शुरू करेंगे। इन बयानों को सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि राज्य के किसानों के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, क्योंकि जिस सरकार के मंत्री विपक्ष को चुप कराने के लिए झूठी घोषणा तक कर सकती है, तो उस राज्य की जनता के साथ धोखा नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा। आरएन न्यूज के लिए पटना से कैमरामैन सिंधु के साथ अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।